खैबर पख्तूनख्वा में 13 साल हुकूमत करने वालों की करप्शन अब खुलेआम सामने आने लगी है। कोई और नहीं बल्कि अपने अराकीन ही करप्शन की निशानदेही कर रहे हैं, ये कहना था वफाकी वजीर अमीर मुकाम का। उन्होंने मजीद क्या कहा, जानते दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे जीशान काका खेल से। जी जीशान, बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ वफाकी वजीर बराए उमूर कश्मीर व गिलगित बल्तिस्तान इंजीनियर अमीर मकाम मौजूद है, इनसे बात करते हैं। सर, पहले भी पीडीएम की हुकूमत में उम्र डिफ़ॉल्ट होने की तरफ जा रहा था, उसी टाइम भी बहुत बड़े चैलेंजेस थे, मगर एक अच्छे नियत से शहबाज शरीफ साहब की लीडरशिप में सारे इत्यादियों ने दिन रात काम किया और मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचा लिया और निकाल लिया। अपनी वजारा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कोई बात किसी और से पूछने की रही नहीं। हम पहले अगर कहते थे कि इस तरह बात नहीं, वह ख़ुद अभी एडमिट कर रहा है कि उनकी लड़ाई आपस में इख्तदार की है, एक कहता है मुझे बनाओ, दूसरा कहता है मुझे बनाओ। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त करप्शन का बाज़ार जो है वो गर्म है, आवाज़ें जो है न सिर्फ आम आवाम लगा रही बल्कि अपने वज़रा भी जो है अब सबूतों के साथ यही कह रहे हैं कि करप्शन हो रही है। इनके मुताबिक वज़ीर आज़म जो है दिन रात काम कर रहे हैं, बिजली लोड शेडिंग के साथ साथ दीगर अहम मसाइल पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है।